नहा लिया, इतनी सर्दी लग रही, कंबल हाँ भाई ओढ़े बैठे हो। आज सर्दी बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप एक सर्दी लगती है और किसी सर्दी नहीं लगती जिसे। ये नमकीन है, ब्रेड है और कॉफी भी है, चाय हम पीते नहीं है जो बात है। हमारे जोड़ीदार आ चुके हैं सुबह सुबह, ठंड से लड़ते हुए इन्होंने बहुत ही मतलब ठंड से लड़ाई लड़ते लड़ते इन्होंने देखो चाय गर्म की है, चने चाय नहीं कॉफी बनाई है, और प्लस इन्होंने बाबा को भी नाश्ता दे दिया इन्होंने चिल्लाइला बना के सुबह सुबह हम साइलेंट। लोग हल्का ही नाश्ता करते हैं, हल्का कर लो फिर बाद में खाना बनाना दोपहर में। और कुछ आप बताना चाहेंगे लोगों को? और कुछ नहीं, आप लोग नाश्ता करिए, हम भी कर रहे हैं। भैया सरकारी नौकरी जिनकी जिनको तो करनी हो भैया, अपनी अपनी तैयारी करते रहो, फार्म आते हैं चले जाते हैं, करेक्शन भी बहुत होते हैं। 60,000 फार्म पढ़ने के थे, 50 लाख भर दिए हैं, अब देखो कितने लोगों को नौकरी मिलती है पुलिस में, है कि नहीं? इनसे भी कहा था पुलिस का भर दो तो इन्होंने भरा नहीं, अब इनको करना नहीं है। इन्होंने बोला कि भाई हमको यही चीज़ बढ़िया है, अपना यही करते रहे, हम इतना तो हमने चैनल आगे बढ़ा ही लिया है, सोच रहे हैं इस साल और ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा लोगों का तो हम और आगे बढ़ा लेंगे, है कि नहीं? आप लोगों की दुआ से तो खाने में बिजी हैं, दुआ तो ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा बिना करे हो जाएगा। नहीं, उन लोगों की दुआ लगे तो हो जाएगा। हाँ वो लोग करेंगे सपोर्ट। ठीक, तो गाइस सपोर्ट करते रहिए और सुबह सुबह हम इसी तरीके से नाश्ता करिए। हाँ आप तो ठंडी पीते हो, हम तो ठंडी पीते हैं। सारा ब्रेड खत्म कर दिया तुमने? दो ही खाए हैं, दो खाए मैंने तो। अरे बच्चा तो गाइस हमारे यहाँ पर देखो दीपांजलि आ गई है, हेलो बोलो। और 26 जनवरी को हमारी प्लानिंग हो रही है, आप लोगों की कौन सी प्लानिंग है भाई, हमको भी शेयर करो। और हम दोनों ने अपनी प्लानिंग तो कर ली है, फिलहाल अभी हम बताएंगे नहीं किसी को, बताना है। दीपांजलि नया फोन लेने वाली, सुना ले रहे? तो क्या करने वाले हो, सरकारी नौकरी प्राइवेट? सरकारी। सरकारी, सरकारी नौकरी तो पहले करें। हाँ। फिर के बाद मतलब सिंगिंग को ऑडिशन दें। हाँ। फिर सिंगर मेरे। सिंगर बनोगे, क्या बात है। हमारे जितने भी जानने वाले सिंगरिंग सिंगिंग वगैरह करते हैं तो उनको अपने ग्रुप में मतलब इनको शामिल करो, धीरे धीरे इनका भी ट्रायल लो और इनको आगे बढ़ने में हेल्प करो, ठीक है? जल्दी इनसे मिलने का मौका मिलेगा आप सभी लोगों को। सर्दी लग रही है, हमें अभी भी सर्दी लग रही है क्योंकि हम नहाए नहीं आज, एक दिन गैप देके नहाते हैं भाई, हम ज़्यादा झंझट मोल लेते नहीं हैं, ठीक है? ये देखो ये रोज नहाने वाले प्राणी हैं, ये सब तुम आए हो भाई? आए तो हो भाई। कब? तो 4-5 साल हो गए, क्या बात कर रही। सुना है लड़के बच्चों बहुत परेशान करते तुम छोटे छोटे, कौन गए हैं लेके आओ उसे। ये देखो दीपांजलि को परेशान कर रखा है, ये देखो ये यही बता रही है, परेशान किया ना हम तो करन लगे हैं, लड़का बच्चा तो गेट पे खड़े रहो करो। कर क्या रही, कुछ खाना बनाने लेके आओ, कुछ खाने पीने को दीपांजलि बैठी है। हम बता रहे जो भी जो बनाना है वो तुम कह रहे, नहीं खाएंगे तो बता क्या। जाओ जल्दी लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, मैं नहीं पता ना ना जा रहे हम जा। तुम कहीं नहीं जा रही अभी ना, जा रहे चले नीचे नीचे यहीं बैठो। वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या लिए? प्रसाद रखा था हमने तो दिया बिट्टी को, ये आप भी लोगे? हाँ हम हमको नहीं देना है क्या? नहीं हमको भी तो दो, खा सके। भाई हम पेड़े खा देंगे, मिल गए यहाँ बैठे बैठे। भाई हमारी शादी को 8 महीने हो गए, आज कैलकुलेट कर रहे बैठ के। ये देखो तुम्हें लग रहा तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं तो नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं, नहीं लग रहा ना। शाबाश खाई ली हम लाभ मिला हो। हाँ नहीं रही हो, तुर्की या पूर्व वाली बहू जाएंगे ये, बिना खिलाए जाने और नहीं देती। दही बड़ा मारा खे रहा है मुझे। तुम्हें कैसी लगी भौजाई? सही लगी है, मैं तो सही लगी। निकारीपुर में कैसी लगी? सही लगी। बाकी हाँ सही है, बात तो कर लेती ना, बाकी मुंह नहीं दिखाती है। सही बात है, बाकी तो मुंह नहीं दिखाती हैं।
दो दांत बाहर निकाल ले। हम इंतजार कर ले तो हमने जब है सामने देख ली चार दिन बाद घूमे इधर रोड में ना मुगोरी ये ना अहंकार आ गई है रूमा भी कैसी है क्या कि आज मुंह इतना इतना झपाएंगे जहाँ पे लोग आ रहे हैं जहाँ पे लोग आ रहे हैं और फिर जब कल ऐसे खड़े होंगे तो क्या फायदा तो सामान सबका रखो बस और उससे ज्यादा कुछ नहीं अब तो कम से कम ना शर्मा कर खत्म करके जाना है दीपांजलि खत्म करके ना जाएं जाई रे टाइम हो गुरुजी खाए भगत दिन वही बनी रहा थी तुम कौन कहियो गुरुजी देख रहा था वीडियो कद गुस्सा कर दिन ना तो बंदा दे मैं पहुंच जा कदो कद बुलाती है तुम से यार जाई रे अब तो अभी कौन सा टाइम हो गया ना टाइम जाई रे तो ना भाई अब खत्म करके जाओ बराबर चल हम जा रहे जान दे भाई दे ट्राई रही अब हम नहीं कहें नहीं कहें कहें नहीं जब हम पैसा पर तुम बताओ तो हम और कुछ बना लो तुम तो हम अब हम कुछ ना बना लो जान दे हमें खाली तुम अब 26 जनवरी को आएगी अभी है 26 जनवरी का ना चले जाए सीधी और यहाँ पर ये है क्या करते हैं मोटरसाइकिल ले चले 26 जनवरी हम अपनी ले चले अपनी हम तुम अपनी ले चली दीदी ना जल्दी पता नहीं तो गणतंत्र दिवस की तैयारियों की हार्दिक शुभकामनाएं आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो GICM जितने लोग हैं सभी लोगों को मतलब फुल अटेंडेंस में आना है ठीक है सर्दी चाहे जितने भी हो क्यों जी दीपांजलि दीपांजलि तो आप लोगों के साथ में पड़ी हुई है सब लोग आई हो ठीक है सब लोग आई हो हम वही हैं और तुम आइयो और प्रिंसिपल साहब को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी फुल व्यवस्था कराएं हमारी पूरी उपस्थिति रहेगी उस दिन भाषा सुन के तुम्हारी भौजाई भी लोट पोट हुई गई हैं बहू देख लो क्या हुआ तुमको भाषाएं तो एक दूसरे को बांधती हैं है ना और तुम आइयो तो हम आई हैं ठीक है लखनऊ पहुंचे तो वहाँ हम भी पहुंच जाएंगे तो आप लोग भी आ जाएंगे ठीक है दोनों भाषाओं में अंतर है दोनों जगह के लोगों को हम आपस में जोड़ने की क्षमता रखते हैं तो रखते हैं कि भाषा जो है ना जगह जगह बदलती है आज मेरे गांव में दूसरी भाषा है बगल में चले जाते तो कुछ और भाषा है तो मजा आता है भाषाओं का जो नहीं आदान प्रदान करते हैं हम लोग हाँ देखो और अगर बगल में और कुछ गाँव के नाम बताओ चटरोपुर में कैसी है वैसे ही बोला था सब ऐसे ही बोल चले हो कि चले हो 26 जनवरी में ये बताओ झंडा रोहण करेंगे जाके वही कहाँ तुर्कियापुर अपने गाड़ी पर हमारे गाड़ी पर करेंगे प्राइमरी स्कूल हम चलिए लड्डू उड्डू बटे लड्डू उड्डू मिली है फिर का लेन पन्नी ले हमें अच्छा नहीं लगा थी वो पन्नी ले चले सब लड्डू बांध के लाएंगे लड्डू उड्डू में एक तो अच्छे नहीं मिला तो इसे वाले मिले थे ना कम पैसन वाले बांटे जाते हैं मेरे बच्चे हैं कहाँ तो अच्छे बटे कहाँ लो बटे हुए मन कर रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक ले आओ निकारी पुर वाली भाषा बोलो करिए तुम्हें बोलिए निकारी पुर वाली भाषा बना रही चावल फ्राई कर दे आपके लिए तुम्हें यही पसंद है ना चावल के बंदा तो गाइस वीडियो पूरी तरह से एडिट हो गया है और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 26 जनवरी को हम GIC आ रहे हैं तो जितने भी GIC के बच्चे हैं वो GIC में मिले और हम वहीं पर आपको मिलेंगे तो ओके गुड नाइट और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा अच्छा होगा।